ये तो मुझे आग सी लगी हुई है। वाइजर बंद करो वाइजर। ओह शिट शिट शिट, बाप रे। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। तो दोस्तों आज हमारा जो है चेकआउट है भीमताल से, हमारा सारा लगेज पैक हो चुका है, सैडल बैग जा चुके हैं बाहर और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली सारा पैकअप हो चुका है और यहाँ ये मैम सैडल स्ट्रेन कर रही हैं। बैग तो पूरा मतलब लग चुका है, बस इसको सैडल स्ट्रे करके वी आर रेडी टू गो। गियर्स वगैरह यहीं रखे हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी है, तो सोचा पहले ये इसको हैंग कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में गियर पहने ताकि गर्मी ना लगे। हेलमेट वगैरह अपनी रेडी है, जैकेट ये रही और ये रही गार्ड। और ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, देखो कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग अपने सोमेश्वर के लिए, लेकिन मैप में ट्रैफिक दिखा रहा है क्योंकि कैंची धाम बीच में पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता कैंची धाम बहुत फेमस तीर्थ स्थल है इधर, तो उसका क्राउड बहुत ज़्यादा है। कल भी ऑलमोस्ट उसका 70-80% क्राउड उसी का था, तो बहुत से लोग आते हैं और जैम लग जाता है और शायद वो जैम अभी वही दिखा रहा था। लेट्स सी आगे कैसे क्या रहता है। तो दोस्तों ये सारा ट्रैफिक जो है ये है कैंची धाम का। फाइनली हम कैंची धाम की तरफ से निकल गए जो एक रास्ता कटता है नैनीताल की तरफ, और अभी भी यहाँ पे येलो सिग्नलिंग है, मतलब ट्रैफिक तो मिलेगा बट एटलीस्ट उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से डाइवर्ट हो गया ट्रैफिक। जो नैनीताल और कैंची धाम के लिए है वो मेजर ट्रैफिक है। तो ये देखो जैसे चले जा रहे हैं ट्रैफिक स्लो है बट मूविंग है। आगे ऐसे लग रहा है जैसे फॉग जैसा कुछ लग रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट, आई डोंट नो कहीं, ये तो मुझे आग सी लगी हुई है। ओ भाई साहब यहाँ तो आग लगी हुई है यार जंगलों में, शिट इतना डेंजरस, शिट 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 कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है यार, बहुत ज़्यादा आगे धुआं देखो कितना, शिट शिट ये देखो फक, ये देखो भाई साहब जंगल जल रहे हैं पूरे, देखो फक फक फक। वाइजर बंद करो वाइजर। ओ शिट शिट शिट, बाप रे, फक फक, पूरा जंगल जो है आग लगा हुआ है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है और यहाँ तक भाई साहब इतना ज़्यादा आग लगा हुआ है। ये देखो यहाँ भी आग की लपेटे आ रही, शिट देखो देखो देखो, शिट बहुत ज़्यादा है भाई साहब, देखो कैसे पटपट की आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब पीछे आग ऐसी लगी हुई थी कि बिल्कुल भाई रोड पे आ रही थी और सारे जो पेड़ हैं वो जल रहे थे और इतना ज़्यादा धुआं एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, अगर रोड पे आ गया ना तो ये रोड बंद हो जाएगा क्योंकि फायर ब्रिगेड भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जंगलों के अंदर आग लगी हुई देख रहा हूँ और पूरी घाटी बस धुआं धुआं हो रखी है और देख रहे हो कैसे धुआं निकल रहा है। मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ क्योंकि अब थोड़ा हम आगे आ चुके हैं। तो भाई साहब ये देख रहे हो वहाँ पे ये जो धुआं निकल रहा है, वहाँ पे सड़क आ रही है, सड़क के ऊपर से पूरा जो है धुआं निकल रहा है। कैसा लग रहा था आपको उस टाइम पे? बहुत डर लग रहा था। और मतलब हम लोग जब रास्ते में तो गरम गरम पूरी लटे और हाँ जो फ्लेम्स थे वो बिल्कुल रोड तक आ रही थी, ऐसे लग रहा हम जल जाएंगे और अगर थोड़ा सा साइड से होके चले तो फ्लेम कैच भी कर सकते थे। वो देख रहे हो पूरा वहाँ से जल रहा है पूरी घाटी, अब पूरा ऊपर तक धुआं जा रहा है और मुझे लगता है आग बहल के ऊपर तक आग जाएगी। वैसे ही रूट बंद हो जाएगा अगर ये आग ऊपर तक गई। लकी थे हम कि हम पहले निकल गए, वरना पीछे के जाने का कोई रास्ता नहीं है और पूरा नैनीताल घूम के आना पड़ेगा, इसकी वजह से हो जाएगा ट्रैफिक जाम। तो ये देख रहे हो धुआं कैसे घाटी में फैल रहा है क्योंकि पहाड़ है तो धुआं फ्लो की तरह ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऐसे लगता है फॉग है मगर ये धुआं है जलने की। पहले दूर से मुझे भी लग रहा था कि फॉग है बट नहीं ये धुआं है, इट्स वेरी रिस्की भाई, पहाड़ों में सब चीज़ें भी होती हैं, आज पहली बार एक्सपीरियंस किए, आई होप कोई क्षति ना हो और हम निकल जाए। अभी देखता हूँ मैप में क्या हिसाब दिखा रहा है, हमारा कोई ट्रैफिक है या नहीं। आगे मूविंग ट्रैफिक तो दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, ओहो हो भाई चलना पड़ेगा, अभी तो चलना पड़ेगा। तो दोस्तों फंस चुके हैं जाम में, ये कैंची धाम वाला बाबा का जो है उसी जाम में हम फंसे हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं और आगे अभी भी रेड दिखा रहा है तो जैम है और ऐसा कुछ व्यू है। अब जैम में फंसे हैं तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं धीरे धीरे, लेट्स सी। ये देखो उधर उधर से पूरा जाम लगा हुआ है, ये देखो एक एक करके, लकीली थोड़ा सा मूव हो रही हैं गाड़ियाँ लेकिन जैम तो पूरा लगा हुआ है कैंची धाम तक। ये यार पहाड़ों पे आके लोग ये सब करते ना बड़ा गुस्सा आता है,
इतना जैम कैसे हो सकता है यार, मतलब लिमिट रखनी चाहिए लोगों के आने की। दोस्तों ये है नीम करौली बाबा जी का आश्रम और यहीं ट्रैफिक लगा हुआ था। ये देखो नीचे इतनी सारी गाड़ियां हैं, ऊपर से इधर भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। गाइज 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 जाम ने तो गांड फाड़ दी गाइज, अब निकल गए हैं भाइयों बहनों, अब हम जाम में नहीं फंसेंगे, तो सीधे निकलेंगे यहाँ से। दिमाग की दही हो गई है, अब मैं धनधनाधन उड़ाऊंगा गाड़ियाँ, अब मैं रोके से नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जाएंगे सीधा सोमेश्वर। तो दोस्तों यहाँ हम निकले हैं लंच करने के लिए, ये कुछ जगह है, हम अंदर चले गए हैं और मैंने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे और थक चुके हैं हम बहुत ज़्यादा, तो अब हम निकलने वाले हैं खाने के लिए। कर दो तो पेट्रोल फिलअप हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं अपने सफर के लिए। तो दोस्तों ये है एक रास्ता, मैडम ने बोला थोड़ा पानी पीने करते हैं, यहाँ पे छाया थी तो थोड़ा यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट पे निकलते हैं। थोड़ा मैप भी चेक कर रहे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है और देखो ग्रीनरी है यहाँ पे, बढ़िया हवा चल रही है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। सोचता हूँ GoPro की बैटरी वगैरह भी साथ ही चेंज कर लेता हूँ, तो ये लगाया और यहाँ पे रोकी बाइक। हाँ ये हमारी बसंती, हाँ क्या मस्त लग रही है, एकदम टिप टॉप। हाँ तो दोस्तों अब ये जो रूट आया है ना, बहुत खूबसूरत रूट है और इसमें बाइक चलाने का ना जो मज़ा आ रहा है। अब हमारा ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स बचा है तो बस चल रहे हैं, और ये जो सुहाने व्यूज़ मिल रहे हैं ना रास्ते में, इनको देख के मज़ा आ रहा है। बट लेकिन रास्ते में मैंने चीज़ ये नोटिस की कि पूरे पहाड़ या वैली के अंदर जो आग लगी है ना भाई, उसने बहुत केओस मचा रखा है। बहुत से जो घर जिनके पड़ते हैं, जिनकी शॉप पड़ती हैं, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वालों को, अपने जो पानी का कनेक्शन है उसको ओपन कर रहे हैं ताकि पानी टाइम आने पे पानी फेंक सकें। तो बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेटली हो रही हैं और वो चीज़ देख के ना थोड़ा दुख भी हो रहा है और थोड़ा ये भी फील हो रहा है कि माउंटेन में सिर्फ सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, कुछ बुरा भी होता है। जैसे कि धागा में धागा, हाँ पागल बिजली अंबर पानी जैसा अपना प्यार, हाँ लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। तो भाई इतना सुहाना मौसम हो रहा है
लीजिए रानी खेत के अंदर हम आ चुके हैं। ये रहा रानी खेत, आपका स्वागत करता है। तो यहाँ रानी खेत में हम एंट्री ले चुके हैं और मैडम जो है गाने गुनगुना रही हैं, क्योंकि इतना सुहाना है यहाँ का मौसम और यहाँ की वादियाँ, हरियाली देख के सच में मन प्रफुल्लित हो गया। मतलब तो गाने अपने आप निकल ही आते हैं जब आप अच्छे वेदर में जाते हैं, और वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। ओहो ट्रैफिक, ईशा बताओ मुझे, हमको इधर जाना है, हमको राइट जाना है। हम तो कुमाऊं रीजन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये लगा है वेलकम टू द एडोब ऑफ मैन ईटर्स एंड हेड हंटर्स कुमाऊं, जहाँ पे इंसानों को खाते हैं और गला काटते हैं। तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, कैसे यहाँ मिलिट्री है, हल्द्वानी नैनीताल नीचे है कुमाऊं विला। हमें यहीं जाना है ना, रानी खेत की तरफ सीधा जाना है। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा कौसानी जाता है और हमें जाना है, सही तो जा रहे हैं, उसमें लिखा बद्रीनाथ वगैरह लिखा हुआ है, अभी दिखा तो यही रहा है, तो यही होगा। जगेश्वर धाम, माँ भरनी मंदिर, बैजनाथ धाम, तो यही होगा। हम इसी पे तो आए थे। तो ठीक है। तो ये देखो दोस्तों कैसे आग लग रखी है वहाँ पे, और ये धुआं निकल रहा है, और इससे आग लग भी सकती है आगे और स्प्रेड हो सकती है, इसीलिए मैंने वाइजर बंद करा हुआ है, क्योंकि किस मोड़ पे कहाँ पे आपको स्मोक मिल जाए पता नहीं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे टाइम पे आप चलाएं जितना फास्ट चला सकते हैं, और देख के चलाएं, कॉन्शियस होके चलाएं कि स्मोक कहीं भी मिले। और वहाँ पे एक पॉइंट ये होता है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि आग जो फैलती है ना वो पूरे ऐसे फैलती है कि आपको लगता है आप निकल जाओगे, लेकिन कई बार आप आग की चपेट में आ जाते हो, वही दिक्कत होती है। यहाँ पे रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, और गरजने की आवाज़ आ रही है, बारिश होगी पक्का 100%, बादल बन रहे हैं और कई जगह स्मोक भी है, तो बारिश हो जाए तो अच्छा ही है। तो अभी हम निकलते हैं, जैकेट मैं अपनी डालता हूँ, और यहाँ से 29 किलोमीटर है और 55 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा है, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हुम्बुर्रा, इस पे चढ़ने का भी एक अलग ही तरीका है बाइक का। सोमेश्वर वाले रास्ते में आ चुके हैं, और अब जो ब्यूटी दिख रही है ना, मतलब ब्राउन और ग्रीन और ऑरेंज का जो कॉम्बो दिख रहा है ना, अति उत्तम है, कसम से बता रहा हूँ। और यहाँ से 24 किलोमीटर्स हैं और 45 मिनट का डिस्टेंस बता रहा हूँ, और देखना इतने सुहाने रास्ते, और इतना ग्रीन, और इतना मतलब मिक्स होता है ना, मतलब हर तरह के पैटर्न के कलर आपको दिखेंगे, और एक बड़ा मज़ा आ रहा है यार देखने में। देखो चारों तरफ खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात रोड बिल्कुल खाली, कोई नहीं है इस रोड पर। कैसे गाँव की कल्चर है, गाँव के लोग यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक साथ अपना चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। और गाय कैसे खा रही है, बहुत ही अच्छा आनंदिंग है। मतलब ये जो गांव होते हैं ना पहाड़ के, बड़े फैसिनेटिंग होते हैं और बड़े अमेजिंग होते हैं। हमेशा से मेरा एक यही सपना था कि कभी पहाड़ों के गांव के बीच में जाके रहूं, तो यही सपना आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हम सोमेश्वर जा रहे हैं, और सोमेश्वर में एक विलेज है, वहाँ करने वाले हैं स्टे। वाह, मतलब हर एक पॉइंट पर एक नया व्यू दिख रहा है, तो वहाँ स्टे करेंगे और गाँव के कल्चर को जानेंगे। ये देखिए कैसे गांव के लोग, ये काटा नहीं आपको, सांस लेके देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी क्लियर एयर, बहुत अच्छा लग रहा है, सांस लेने में भी इतना अच्छा लग रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं, गाय कुत्ते भेड़ बकरी ये सब है जंगलों में और गांव में, कितना प्यारा व्यू है यार, और लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, शांति
ये क्या चाहिए इंसान को, हरियाली चारों तरफ, मनमोहक दृश्य, गांव के लोग कैसे वॉक कर रहे हैं। तो दोस्तों यह है सोमेश्वर और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक जगह, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे लोकेशन का और हम वहीं जा रहे हैं और यहाँ बस में कुछ लोग जा रहे हैं, शायद शादी वादी का होगा कुछ, और मज़ा आने वाला है आगे और रास्ते में। भाई लोग जो यहाँ रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा शांति है उनकी, उनके दिल में भी और उनके जीवन में भी। ये देखिए खेत, दोनों तरफ खेत हैं और आगे कुत्ते हैं, मुझे देख के थोड़ा जलना पड़ेगा वरना काटेंगे पक्का ये। दोस्तों ये है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, सोमेश्वर 4 किलोमीटर, कौसानी 17, कौसी 32। और तो हम कौसानी रुक चुके हैं इसलिए हम इस बार यहाँ सोमेश्वर में रुक रहे हैं, और गांव है इस वजह से। कौसानी में आपको थोड़े टूरिस्ट प्लेसेस दिखेंगे, वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, रिसोर्ट वगैरह हैं, बट सोमेश्वर में यहाँ तक ज़्यादा नहीं है, मैंने सुना है 5-6 ही हैं, वो भी होम स्टेज ही हैं, ज़्यादा लोग रुकते नहीं हैं। तो ये रही हमारी, समाप्त होती है लोकेशन। गाइस हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर और सोमेश्वर के कुछ व्यूज़ आपको दिखाते हैं जो कि आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे। तो ये है सोमेश्वर। ओहो भाई बादल गुजर रहे हैं, बारिश होने वाली है और इतना खूबसूरत है, ये देखिए मैम फोटोग्राफी कर रही हैं और इतना खूबसूरत है कि आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बारिश होने वाली है, किसी भी टाइम पर बारिश हो सकती है। और यहाँ से देखें तो ये जो देखिए क्या बिजली कड़की थी, तो कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे। ये एक बेसिकली सोमेश्वर एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे हिल स्टेशन तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा सा गांव, शांति बहुत है, खेत खलिहान है, लोग रहते हैं, कुछ होम स्टेज हैं, तो हम भी एक होम स्टे में स्टे कर रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कर पाएंगे। यहीं सीधा रोड जाता है कौसानी की तरफ। कौसानी हम लास्ट टाइम आए थे रुके थे, मैडम का मन था कि सोमेश्वर में रुके कि गाँव लाइफ को एक्सपीरियंस करेगी कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ओए होए क्या कैप्चर हुआ एकदम मोमेंट में। और ये हमारी मैगी खाएंगे हम ऐसे वेदर का आनंद लेते हुए। बहुत ही डीप और डार्क है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो हम अपनी मैगी एंजॉय करते हैं, आप ये व्यूज़ एंजॉय कीजिए। दोस्तों तो हम फाइनली सोमेश्वर में अपने रूम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा होटल्स वगैरह नहीं है, 3-4 होम स्टे हैं, वहाँ पे आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे स्टे किया हुआ। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये कुछ रूम है जो कि फैमिली स्टे कर रही है, हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला है, बाकी जो फैमिली है वो ऊपर वहाँ पे रहती है। ये हमारा बैग है जिसको भी हम अनपैक करने वाले हैं, सारा राइडिंग गेयर इसके अंदर है क्योंकि बाहर रखना सही नहीं होता, धूल वगैरह आती है। और अब हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे आज के दिन रेस्ट करेंगे और कल के दिन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा, मतलब सिटी में तो इतनी गर्मी थी और जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे कैंची धाम एक जगह है, इतना क्राउड, लाइफ में पहली बार मैंने किसी हिल स्टेशन में इतना क्राउड देखा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए। फिलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी 5:30 बज रहे हैं, शाम हो गई है और बारिश होने वाली है। जब आए तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और लाइटनिंग हो रही थी, तो बस बारिश का इंतज़ार है और उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर और कल निकलेंगे यहाँ पे लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए।